अलवफा न्यूज़, रहे खबरों से बाखबर। मुत्तहिदा कॉम्युनिटी पाकिस्तान की जानिब से 11 अगस्त को कम्युनिटी का नेशनल डे, जिस पर आज मुख्तलिफ कम्युनिटी का प्रोग्राम मुत्तहिदा कॉम्युनिटी ने अरेंज किया है मोबीन पिक में। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन मेहमान हैं और तकरीब में क्या बातें हो रही हैं। आइए। खालिद मखदूम सिद्दीकी कहते हैं कि हमें भुट्टो का पाकिस्तान नहीं बल्कि कैद आजम का पाकिस्तान चाहिए, और जब हम कहते हैं कि कैद आजम का पाकिस्तान चाहिए तो हम उस पर अमल भी करते हैं। अमल कैसे करते हैं कि आज भी पिछले कई डेकेड से, यस आई रिपीट, सिंस लास्ट मोर देन 3 डेकेड, MQM पाकिस्तान के तमाम दफातर के ऊपर, चाहे वो होली का त्यौहार हो, राखी का त्यौहार हो, दिवाली का त्यौहार हो, या क्रिसमस का, या बड़े बाबतदार तरीके से मनाया जाता है। किसी ने बात की थी डाइवर्सिटी के हवाले से, तो यह MQM ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है डाइवर्सिटी के हवाले से। जो कैद आजम का कॉल था कि जस्टिस के साथ आप बला तफरी कर रहे हैं, आज हम याद कर रहे हैं 11 अगस्त जो 2012 में हमने जो है जो किया था, कायदेजम की जो वर्ड्स थे उसको हमने पाया तकमील पहुंचाने के लिए, जिसकी स्पीच भी जो मिलानी के लिए गायब हो गई थी उसको दोबारा बहाल किया गया। मैनिफेस्टो ऑफ द फ्यूचर नेक्स्ट इलेक्शन जनरल इलेक्शन पाकिस्तान फॉर MQM शुड बी दैट वी हैव टू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ऑफ द वर्ल्ड ऑफ माइनॉरिटी, जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी इरादी और इख्तियारी पाकिस्तानी, क्योंकि उनको भी ये मौका दिया गया था कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में से चूज कर ले, उन्होंने पाकिस्तान को चूज किया। हमारे आपके दरमियान, हमारे दरमियान ये कदर मुशरक भी है, तो इंशाल्लाह ताला MQM अपने वादे को कायम है। आपको हिम्मत करनी है इस इंतखाबात में कम से कम इस राह का तो तायुन कर लें। ये ग्रास रूट पे भी होना चाहिए ऐसी तकरीबात, ये तो आप ये समझ लें कि एक बड़ी हाई क्लास की पार्टी थी, तो क्या ग्रास रूट पे भी ऐसे तकरीबात होंगी? असल में ये पार्टी इस लिहाज से हाई क्लास ज़रूर हो सकती है कि कुछ यहाँ पर आपको बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी नज़र आए, बड़े ताजर और सनतकार भी है, लेकिन हिंदू कम्युनिटी के जो मजहबी, मसीही कम्युनिटी के जो मजहबी नुमाइंदगी थी, और जो पारसी कम्युनिटी की जो, और फिर सिख कम्युनिटी की, असल वो हमारे लिए अहमियत रखती है कि हमने उन सारे रहनुमाओं को, चर्च के लोगों को, मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं को यहाँ बुलाया था ना। अच्छा, और ये वो लोग हैं जो नीचे सारी बातों को ले जाते हैं और उन तक पहुँचाते हैं, और जाहिर है कि हमारी माशरत तो एक दूसरे के साथ अच्छी बसी है। देखें, यहाँ सरजानी टाउन के चर्च से जो पास्टर्स थे वो हजरात आए थे, कोरंगी के पास्टर्स आए थे, अंदरून सिंध कश्मीर के पास्टर्स यहाँ थे मौजूद, तो इसका मतलब है कि हमारा ये मजबूरी हमारी थी कि इस 11 अगस्त की अहमियत को उजागर करना था, इसलिए हमने मूव इन पिक में संजय परवानी भाई ने हिम्मत की और ये प्रोग्राम हो गया। अच्छा, लेकिन बाकी हमारे प्रोग्राम ज़मीन पर ही होंगे, इलाकों में ही होंगे और ग्राउंड पर ही होंगे। कई दहाइयों से ये देखा जा रहा है कि हुकूमत बचाने के लिए या हुकूमत बनाने के लिए MQM को इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे MQM को क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, एक बार फिर MQM की, महाजरों की, कराची के मजलूमों की, और कराची की ज़रूरत पड़ गई है इस मुल्क को। अल्लाह करे ये ज़रूरत आर्जी ना हो कि हमें इस्तेमाल किया जाए और फिर एक कोने में रख दिया जाए। इस मरतबा कराची को पूरा मौका दिया जाए कि वो कौमी धारे में आ जाए, अपनी सारी कौमियतों के साथ, सारी ज़बान बोलने वालों के साथ, हर इलाके का पाकिस्तानी जो कराची में रहता है वो पाकिस्तान की तरक्की, कौमी तरक्की, माशी तरक्की, माशरती तरक्की और समाजी तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करें। यकीन माने, कराची को अगर ये रोल दे दिया तो आप पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम भी आ जाएगा, माशी इस्तेहकाम भी आ जाएगा, यकीन माने। अखबारी मौका है, लेकिन हमारी ज़रूरत आर्जी नहीं होनी चाहिए, हमेशा हमें, आपने सही कहा, इस्तेमाल किया जाता है उसके बाद हमें उठाकर फेंक दिया जाता है, ये नहीं होना। अच्छा फारूक, अखबारी जो है कूड़ा बिनते बिनते इस वक्त यहाँ का इन्वेस्टर बनता जा रहा है और कराची पर काबिज़ होता जा रहा है, तो इसके लिए MQM क्या इकदाम कर रहा है? देखें, MQM ने तो इतना बड़ा दिल किया है
और वो जानती है कि जो ये इतनी बड़ी आबादी वाले शहर ये तरक्की के इंजन होते हैं, लेकिन इनमें हम अब ये फ़र्क नहीं करेंगे, ये अफ़गानी है, ये वियतनामी, ये बंगाली, और इनको निकाला जाए, हमारा ये मुतालबा रहा ही नहीं। लेकिन जो यहाँ हैं कम अज़ कम मरदम शुमारी में उनको गिना तो जाए, वो कमाते यहाँ हैं, खाते यहाँ हैं, उगाते यहाँ हैं, लगाते यहाँ हैं, उनका इस माशरत के साथ, इस मीशत के साथ उनका ताल्लुक़ है, तो उनको यहाँ भरपूर मौका मिलना चाहिए और उनकी नुमाइंदगी भी होनी चाहिए। कराची की सीटें बढ़नी चाहिए, कराची की आबादी ज़ाहिर होनी चाहिए। पहली बार बाजियाबी का अमल शुरू हुआ, पहली बार 70 लाख लोग हमने गिनवा दिए, बल्कि हमने बाजियाब करा लिए, गिनवाए कहाँ। ये तो पुरानी मरदम शुमारियों में दबा दिए गए थे, छुपा दिए गए थे, चुरा दिए गए थे, लापता और गुमशुदा कर दिए गए थे। ये मिसिंग पॉपुलेशन थी, वो मिसिंग पॉपुलेशन बाजियाब हो रही है। पहले के मुकाबले में जो फिगर्स हैं बेहतर आए हैं, आइडियल नहीं है, तसल्ली बख्श नहीं है, इत्मीनान बख्श नहीं है, लेकिन पहली बार फिगर्स रीजनेबल है। अभी भी रिस्पेक्टेबल नहीं है, आइडियल नहीं है, लेकिन ये पहली बार हुआ, अगली बार और लोगों को बाजियाब। जिस जेल में इस वक्त खान साहब कैद हैं और परेशानी का शिकार है, उस जेल में आप रह चुके हैं, तो उस जेल के बारे में बताइए, उनसे क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा? आपने भी तो देखें, वो जब आएंगे ना और अपनी कहानी सुनाएंगे और मेरी कहानी सुनेगा, तो आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा कि ताड़ा कुत्ता डॉमी और साडा कुत्ता कुत्ता। मिसाइल का फर्क है। 14 अगस्त के हवाले से कोई आशार भाई? अपनी तो पहचान यही थी इस पहचान से पहले भी, अपनी तो पहचान यही थी इस पहचान से पहले भी, पाकिस्तान का शहरी था पाकिस्तान से पहले भी। हम आए थे मुबीन पिक में, जहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मुमिन की जानिब से 11 अगस्त को कम्युनिटी का नेशनल डे मनाया गया, जिसमें मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोगों ने शिरकत की और इसमें अपने ख्याल का इजहार करा। कैमरामैन मतीन के साथ एम ए रहमानी, अलवफा न्यूज़ कराची। इसको लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।